चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केमिस्ट्री कम्युनिटी कहता हूँ। तो हम आ गए डेली इंग्लिश बूस्टर सीरीज में। दो तीन दिन गैप रहा था तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हम फिर कंटिन्यू हो गए। ठीक है, तो पहले आते हैं, एक डॉक्टर से रिलेटेड टर्म है, दैट इज स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। किडनी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ये याद करना देखो कितना आसान होगा। आपको पता होगा किडनी, देखो रिलेट करोगे तो याद करना, किडनी के अंदर जो स्मॉलर स्ट्रक्चर होती है उन्हें कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो किडनी के डॉक्टर को क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट। वैसे ही ब्रेन के अंदर होते हैं न्यूरॉन, और ब्रेन के डॉक्टर को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? ओके, ऐसे आपको याद करना है तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आता है, दैट इज थिक स्किन्ड एनिमल। थिक स्किन्ड, SKINNED, स्किन्ड एनिमल। एक ऐसा जानवर जिसकी चमड़ी बहुत मोटी हो, पैकीडर्म। देखो याद करना आसान होगा, डर्म का मतलब स्किन था, याद आया ना। इसी तरीके से स्किन के डॉक्टर को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है ना, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। अ पर्सन हु इज टॉकेटिव, गैरुलस, ठीक है ना। आप इसे कह सकते हो एक्स्ट्रोवर्ट भी कह सकते हो। इसके आपको मुझे दो सिनोनिम्स और बताने हैं। ओके, इसके लिए बताओ, अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, घुसपैठिया, इसे कहते हैं इंट्रूडर, जिसे बुलाया ना गया और वो बिना बुलाया आ गया, ठीक है ना। चलो यहां चार वर्ड लिखे देखते हैं, यही सब वोकैब आती है पेपर में। ओके, तो एक वर्ड है आपके पास पॉलीएंड्री, दूसरा है बाइगॉट, तीसरा है मीसोगैमिस्ट, चौथा है विडोवर। देखो गैम का मतलब शादी, मीसोगैमिस्ट मतलब हु हेट्स मैरिज, विडोवर पता है विधवा, बायगॉट का मतलब होता है कट्टर, एक और होता है जिसे कहते हैं फेनेटिक। इसका आपको मुझे बताना क्या है, और मैंने करा रखा है, इसका आपको मुझे मीनिंग बताना है और मैंने करा रखा है। ओके, अगला आता है ज़ेनोफोबिया। ज़ेनोफोबिया इसे कहते हैं फियर। देखो ये तो क्लियर है ना, फोबिया मतलब फियर, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अनजान से जो डरता है, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। अगला आपको मुझे बताना है सीटोफोबिया। सीटोफोबिया, ठीक है, सीटोफोबिया, ठीक। ओके, एक वर्ड होता है सोमनाम्बुलिस्ट। सोमना सोम
नाम बुलिस्ट, एक होता है सोम नोलोक्यंट। सोम नाम बुलिस्ट का मतलब होता है हु वॉक्स इन स्लीप, नींद में चलने की जिसको बीमारी हो। तो यहां से समझ आ रहा है लोक्यू मतलब होता है बोलना, हु टॉक्स इन स्लीप। ऐसे कोरिलेट करो चीजों को, कोरिलेट करो आपको आसान लगेगा। चलो नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है आपके पास सी एन टी एन ए आर आई ए एन, सैनिटेरियन। सेंचुरी वर्ड तो सुना है ना आपने, तो बस सैनिटेरियन का मतलब होता है वन वन हु लिव्ड मोर देन 100 ईयर, जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो। ठीक है ना, बहुत कम मिल पाते हैं। चलो अब आपके पास देखो, ये एक्चुअल में क्वेश्चंस है पेपर के, ये DSSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो अब मैं 4 ऑप्शन देता हूं और क्वेश्चन क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम देखेंगे हमें इन्हें 4 ऑप्शन के मतलब पता है कि नहीं पता है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा तरीका है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दूंगा और हम ये देखेंगे कि हमें 4 ऑप्शन पता है या फिर नहीं पता है, फिर हम इसके क्वेश्चन दिखाऊंगा कि क्वेश्चन क्या था। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? और इस तरीके की आदत अगर आप डाल लोगे, अगर इस तरीके की आदत आप डाल लोगे तो आपको बहुत आसान होगा, आपको बहुत आसान होगा। ओके, पहला वर्ड है रेजिसाइड, दूसरा वर्ड है फ्रेटिसाइड, तीसरा वर्ड है होमोसाइड होमिसाइड, चौथा वर्ड है जीनोसाइड। रेजिसाइड किलिंग ऑफ किंग, फ्रेटिसाइड पता है आपको, जीनोसाइड पता है, होमोसाइड पता है। अब क्वेश्चन क्या था ये बता दो, क्वेश्चन ये था मर्डर ऑफ अ मैन, मर्डर ऑफ अ मैन किसी आदमी का खून, तो वो जाएगा होमिसाइड। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? यही मैं सिखाना चाह रहा था कि अगर आप चीजों को उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से वो एक्चुअल में पढ़नी चाहिए, तो आपको चीजें याद करनी नहीं पड़ेगी, मतलब आपको वोकैब याद करनी ही नहीं पड़ेगी, आपको वोकैब अपने आप याद हो जाएगी। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, वोकैब को एक अलग तरीके से देखते हैं कि सोचते हैं इसे याद कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं आपको याद कैसे करना है, इन्हें रिलेट करके, रिलेट मतलब एक जैसे सब देख साथ। ठीक है ना, ओके। जैसे एक वर्ड आता है प्लूटोक्रेसी, ये भी एक क्वेश्चन का है। दूसरा ऑप्शन है इसमें एरिस्टोक्रेसी, तीसरा वर्ड है ब्यूरोक्रेसी और चौथा वर्ड है मोनार्की। पहले इन 4 वर्ड के मतलब पता ही नहीं पता, इस तरीके से करा करो। प्लूटोक्रेसी मतलब रूल बाय रिच, एरिस्टोक्रेसी रूल बाय नोबल, ब्यूरोक्रेसी रूल बाय ऑफिशियल, मोनार्की रूल बाय राजा, किंग और क्वीन, है ना, क्वीन वगैरह। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, तो ऑफिशियल से क्या है ब्यूरोक्रेसी। समझ आया किस तरीके से वो गैप करनी है, अगर ये तरीका अप्लाई करोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और एक समय बाद आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है ना, चलो बाकी आपकी चॉइस है, जैसे आप करना चाहो। अब आते हैं INP पे, idiom एंड phrases। ठीक है ना, ओके ना, पहला वर्ड आता है हैमर एंड टोंग्स, हैमर एंड टोंग्स, हथौड़ा और छीनी छैनी वगैरह सब लो। ठीक है ना, तो ये तो किसका प्रतीक होता है, मेहनत का, मजदूरी का, है ना। तो हैमर एंड टोंग का हो जाएगा विद ग्रेट इफर्ट और एनर्जी, विद ग्रेट
एफर्ट्स और एनर्जी, दूसरा दूसरा होता है ह्यू एंड, चलो ये तो आसान है, अगला होता है जुड़ास किस, मैं तो इसे ऐसे पढ़ता था झूठास, झूठास, झूठास किस, झूठास किस का मतलब झूठा प्यार, ठीक है। अगला अगला आता है किथ एंड किन, किथ एंड किन मतलब ब्लड रिलेशंस, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है ग्रास विडो, ग्रास विडो, ओके, ऐसी विवाहिता जो पति से दूर रहती हो, चाहे वो डिवोर्स से हो चाहे वो अलग रहती हो, समझे, विडो मतलब विधवा, लेकिन ग्रास मतलब, ग्रास होता है हरा भरा, तो मतलब ऐसी औरत जो विधवा नहीं है लेकिन अपने पति से दूर रहती है, समझे। अगला आता है निप द बर्ड, निप दी पड, निप सॉरी निप इन दी बर्ड, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है आरंभ में ही नष्ट कर देना, कोई चीज शुरू से बन रही है आप उसे शुरू में ही खत्म कर दो, टू एंड समथिंग इन स्टार्टिंग, कोई चीज पैदा हो रही थी बन रही थी या शुरुआत हो रहा था आपने उसी समय उसे खत्म कर दिया, दैट इज कॉल्ड निप द बर्ड, ठीक है ना। ऐसा कभी भी आपके मन में कोई गलत फहमी हो या गलत चीजें आ रही हो उसे तुरंत निप द बर्ड करना चाहिए, निप इट द बर्ड, ओके ना। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, थैंक यू।